तो जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोग के लिए और एक वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि अभी रिक्रूटमेंट का अभी ज्वाइनिंग डेट है 25 डे, 25 डे के लेके 31 है ना। और उसके बाद वहाँ जाके आप लोगों को आराम से लाइन में पहले खड़ा होना है। लाइन में खड़ा होने के बाद आप लोगों को उसके बाद डॉक्यूमेंट देना है। डॉक्यूमेंट देने के बाद आप लोगों को हल्का से मेडिकल टेस्ट करवा जाएगा। वहाँ टेस्ट करने के बाद वहाँ पे फिर से आप लोगों को इसको हेयर कटिंग होगा। हेयर कटिंग होने के बाद आप लोगों का जॉइंट पूरा हो गया हल्का से, बस वही जो पहले जाना चाहते 25 डे में आप लोग पहले उधर में जाके ज्वाइन करना है। उसके बाद जो ट्रेनिंग चलते रहेगा उस दौरान में आप लोग आराम से ट्रेनिंग करना है। और जो वहाँ पे लिखा हुआ होगा क्या क्या लेके जाने के लिए, वहाँ आप लोग फॉलो करना है क्या लेके जाना है। तो साधन पोजीशन, विश्राम पोजीशन, दाहिने मोड, बाएं मोड, पीछे मोड, ये सब का पूरा हर चीज़ सीखा जाएगा। और उसमें भी क्लास में एग्जाम में आएगा आप लोगों का। साधन पोजीशन देखने वाले बात क्या है, विश्राम पोजीशन देखने वाले बात क्या है, और एरी टू एरी और पंजा टू पंजा कितना इंच छूटा है, ये सब पूरा सीखना पड़ेगा आप लोगों को। और हटिया के क्लास भी सीखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है भाई। और आप लोगों को उसके बाद क्या होगा, आप लोगों का एक उसमें हफ्ता में 2 बार टेस्ट भी होगा, उसमें पास करना है आप लोगों को, ठीक है भाई। आप लोगों का वहाँ पे एग्ज़ाम हो जाएगा, FPT, PPT, हाई जम्प, हर चीज़ का वहाँ पे आप लोग को गेम रहेगा, वो आप लोग पास करने पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाएगा, ठीक है भाई। और उसमें आप लोग को रनिंग होगा, 10 किलोमीटर का रनिंग, ये सब का और भी करवा जाएगा आप लोगों को, ठीक है। हटिया के साथ और बिना हटिया के साथ भी आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो आप लोगों को वो चीज़ फॉलो करना है, वहाँ पे परीक्षा पास करना है, ठीक है भाई। वहाँ जाके आराम से आप लोग ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग दौरान में आप लोगों को वहाँ पे जो डिसिप्लिन दिया जाएगा वो आप लोगों को फॉलो करना है आराम से। कोई भी प्रॉब्लम होने से मेरे साथ अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं बताने के लिए आप लोगों के साथ हूँ। तो फिर दोस्तों देखो, आप लोगों को साधन पोजिशन इस प्रकार में होना है, जैसे कि छाती एकदम सीधा और निगाह सामने, ठीक है भाई। ये हो गया साधन पोजिशन। और ये पांजा ये देखो इस प्रकार का होना चाहिए। और ये एरी जो पीछे वाला, इसको बोलते हैं एरी, जो आपको दाहिने मोड बाएं मोड इस प्रकार का होना है, एकदम चटकी से इस प्रकार से होना है, और बाएं मोड इस प्रकार से, ठीक है भाई। ये चटकी से होना पड़ेगा। और विश्राम पोजीशन भी देखो, ये आपका पंजा, और ये आपका पंजा, ये आपका एरी है, जो इस प्रकार एकदम सीधा विश्राम पोजीशन भी, ठीक है भाई। वहाँ पे जाके सीखा जाएगा, मैं तो यहाँ पे से डेमो दिखाया। तो आप लोगों को उधर में जाके फॉलो करना है, आराम से ट्रेनिंग करना है भाई, ठीक है। तो जितना भी आप लोगों का हो सके वहाँ पे ट्रेनिंग आराम से करो। 1 साल के लिए बहुत मुश्किल से नौकरी मिला है, ठीक है भाई। तो फिर वीडियो यहाँ तक ही है। जय हिंद।